नमस्कार, मैं सैयद इसरार और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ हैं सागर लोकसभा के संभावित प्रत्याशी बिरहू सिंह ठाकुर। उनसे बात करते हैं कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिरहू जी, प्राथमिकताओं को लेकर विषय आपने बहुत शानदार किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जिले में, आजू बाजू के जिले में अगर हम चुनकर जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे उद्योग स्थापित, जैसे हमने बीना में रिफाइनरी और जेपी पावर प्लांट और ये अपने एनटीपीसी वगैरह, हमारे उद्योग जिस तरीके से बीना में लगे हैं और उनके लगभग जो सहयोगी उद्योग हैं हमारे रिफाइनरी के, वो उद्योग और एक ऐसा कॉरिडोर हो जो कि हमारे बुंदेलखंड में होना चाहिए था, औद्योगिक कॉरिडोर जो कि फोर लाइन से होता है। हमारी कोशिश रहेगी कि बड़े बड़े उद्योग, हर विभाग के बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं, देश के जितने विभाग हैं हमारे, उनकी यहाँ आए, हमारे सागर जिले में आए, उनकी सौगातें हमारे सागर जिले के लोगों को मिले, नौजवान लोगों की बेरोजगारी दूर हो और किसानों के लिए, मेरे मुद्दे में एक किसानों के लिए हम स्वावलंबी किसान, और एक बार बार हम नहीं चाहते कि किसानों के ऋण माफी की किसान बात करे या आस लगाए किसी सरकार की तरफ, किसान को उसके दाम, उसकी कृषि उपज के दाम वाजिब मिलना चाहिए, हर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हर प्रकार से, जैसा कि हमारी कांग्रेस की राहुल गांधी जी की नियत भी है कि वो चाहते हैं कि हमारे देश में आपसी समन्वय रहे, देश में भाईचारा रहे, बिना वजह की ये फिरकापरस्ती ताकतों को हम दूर रखना चाहते हैं। सागर में 5 विधानसभा आती है जिसमें से 4 भाजपा के विधायक, ऐसे में जीत की कितनी संभावना रखते हैं? जीत की संभावना हम कार्यकर्ताओं की दम पे हम रखना चाहते हैं, और क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के बीच में सारे जीवन भर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कार्यकर्ता इस बार प्रत्येक पोलिंग बूथ पर डटा रहेगा और कांग्रेस को जिताएगा। विधायक थोड़ी जिताएंगे, विधायक जिताएंगे अलग विषय है। हमारा जो इस बार जो हमारा राहुल जी का दिशा निर्देश है, हमारे मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि कांग्रेस का पोलिंग बूथ पे, प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हमारा कार्यकर्ता दृढ़ निश्चय है कि इस बार पुरानी गलतियां अगर हमारी कहीं हुई है उनको भूल के हम जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। प्रदेश के मुद्दे, प्रदेश में हमारी सरकार बनी फिर भी यहाँ अब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने केवल झूठी बातें करी। अगर कुछ कह दिया कि इतने करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, किनको रोजगार मिला? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनने उद्घाटन तो बहुत करे हैं, मैं एक काम बता दें जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का, जिन्होंने शिलान्यास किया हो, शुरुआत की हो और उसका उद्घाटन कर दिया हो, एक बता दें। अगर आप सांसद बनते हैं तो बिना रिफाइनरी में कितने युवाओं को रोजगार दिलाएंगे? नहीं, मैं एक संख्या नहीं बताना था, अभी बिना रिफाइनरी का एक पार्ट अभी चालू हुआ है, आपको नहीं पता वो कितने वर्षों से चालू हो, कैसे करके हम बिना रिफाइनरी यहाँ हमारे सांसद आनंद जी और हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सहयोग से लाए हम यहाँ, खिड़किया जा रही थी, हरदा की खिड़किया जा रही थी, कितने प्रयासों के बाद हम लोग यहाँ लाए। और ये निश्चित मानो हमारी सरकार क्योंकि चली गई, उसके बाद जब रिफाइनरी का काम चालू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उनने कोई गौर नहीं करी। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है और देश में हमारी सरकार बनेगी तो जो हमारे अभी तो ये फर्स्ट फेज में रिफाइनरी का काम चालू हुआ है, अगले उसमें जो पेट्रोकेमिकल का भी कारखाना है और इतनी शोधन क्षमता जो है, और भी शोधन क्षमता उसकी बढ़ेगी और काम और बढ़ेगा रिफाइनरी में, जिसकी जितनी हमारे सहायक उद्योग, उनकी फैक्ट्रियां आएंगी, वो सब लोग बड़े उद्योगपति यहाँ लगाना तैयार हैं, परंतु उनको संरक्षण सेंट्रल ने नहीं दिया और उससे कोई कार्य नहीं हुआ। स्टेट की सरकार ने उनको इस तरह जो हमारे लगभग मैं समझता हूँ 200 फैक्ट्रियां जो रिफाइनरी से संबंधित हैं, उनसे एफिलेटेड हैं, उनको लगना चाहिए था, वो इनकी निष्क्रियता की वजह से, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा बीना रेलवे जंक्शन है, मैं सांसदों की इतनी निष्क्रियता की वजह से, जो कि सेंट्रल का विभाग है, वो अस्पताल जाना माना अस्पताल था, लोग आपके
तिली और भोपाल के हमीदिया ना जाके लोग हमारे वहाँ के आसपास के जिलों के लोग, विदिशा जिले के लोग, अशोकनगर जिले के लोग, मतलब पहले के गुना जिले के लोग वहाँ बुक चिकित्सक कराने आते थे। आज कुछ नहीं, हमारे सांसद की असफलता है। जी बिल्कुल, सांसद जी की असफलता है वहाँ, जबकि पूरे एम्प्लॉइज है, बहुत कम एम्प्लॉइज हुए, सांसद जी की असफलता है। जो भी लोग रहे हैं उनको उनकी रुचि नहीं रही, मैं समझता हूँ उन्हें ध्यान नहीं दिया अपने कामों की ओर, जो उनको मूल रूप से काम करना चाहिए थे। 2 लाख किसान का कर्जा माफ, आपको फायदा मिला थे कि आपके गले की हड्डी बने गई? नहीं नहीं, हमारा 2 लाख तक के किसानों का है। ये भ्रम फैला रहे भारतीय जनता पार्टी को, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों को बहुत कम समय मिला है, हमारे दल को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही विद इन 10 मिनट्स में, हम 10 डेज की बात नहीं कर रहे, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के भीतर में जाके फाइल बुला के पूरी तैयारी करा के फाइल बुला के उस पे किसानों के कर्जा मुक्ति की बात, ऋण मुक्ति की 2 लाख तक की बात करी थी, परंतु हर जगह कुछ पेचीदगी गया होती। एक मैं बताऊं आपको, अगर आप उसको प्रसारित करें तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि ये वर्ष 18 के जो एंडिंग वर्ष के समय तक के जिन बैंकों में लोगों के जितने ऋण थे, माने कोई का 3 लाख का था, उसने मान लो 2 लाख रुपए चुका दिया था, तो उसका 1 लाख माफ हुआ, 1 लाख उसका बाद में होगा। क्योंकि एक श्रेणी बनाई गई थी, सफेद लाल पीले अलग से, हमारे जैसे किसान का जैसा कर्जा था, किसी ने भर दिया है तो उसके लिए अलग पर्चा था, जो और जो जैसे डिफॉल्टर है उसका अलग पर्चा था। आखिरी सवाल है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त, उसका क्या लगता है क्यों जीतेंगे? जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ, इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं की दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों का बेतहाशा समर्थन, जो राजनीतिक लोग हैं उनका, जो हमारे गैर राजनीतिक लोग हैं उनका भी, ग्रामीण अंचल से सब, चूंकि मैं वर्षों से मैदान की राजनीति न करके राजनीतिक विषय में राजनीति बात नहीं कर रहा हूं, मैंने व्यवहारिक रूप से बहुत काम किया है, सबके अच्छे बुरे में गया हूं, इस जिले में गया हूं, विदिशा जिले में गया हूं, आजू बाजू के जिलों में गया हूं, जिनसे संपर्क मेरे छात्र जीवन से थे उनके संपर्क और संबंध को आज तक निर्वाहन कर रहा हूं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वे लोग मेरा साथ देंगे और मेरी जीत की संभावना ज्यादा। स्वागत लोकसभा, जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि आखिर सागर लोकसभा कौन जीतता है। मैं सैयद इस्लाम, सागर एक्सप्रेस। बहुत धन्यवाद। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका